जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल चेन्नई सबर्बन रेलवे स्टेशन के सामने। हम हैं चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी में। और आज एक खुशी की बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग तो मेरी फैमिली का हिस्सा ही हो, तो यहाँ पे आप लोग देख लो हमारा जो पोस्टर है, बैनर है, आप कह सकते हो, रेलवे स्टेशन के सामने लगा हुआ है। हमेशा रेलवे स्टेशन के सामने एड्स देखता था, सोचता था कि कभी कुछ अच्छा करूँगा तो शायद अपना भी नाम यहाँ पर मिले। तो देख लो आज आपके सामने है, आप लोग के प्यार की वजह से चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि चेन्नई सेंट्रल में और साउथ में अपना पोस्टर लगे यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट टू कंफर्म टिकट जो ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। बाकी आज मैं आप लोग को लेकर जाने वाला हूँ एक स्पेशल जर्नी में, जो कि है चेन्नई से पुणे तक। वैसे चेन्नई मुंबई एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि रोज़ाना अपने सफ़र को अरकोणम होते हुए अरकोणम से कडप्पा, जो कि बहुत ही खूबसूरत रेंज है, वो शाम के टाइम पर आएगी हमारी आज की जर्नी में। तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ, खाने पीने का एक्सपीरियंस, ट्रेन का एक्सपीरियंस, ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएँ। वहाँ पर है सबर्बन रेलवे स्टेशन और ये रहा चेन्नई सेंट्रल मेन, जो कि एक लास्ट स्टेशन है। इसके आगे रेंज जो है नहीं जाती है, देख सकते हो आप लोग। अंदर भी दिखाऊंगा ऐसा क्यों है। बाकी इस तरफ पूरा अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो समुद्री समुद्र है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट लुक तो यार बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है रेलवे स्टेशन का। बाहर ही जस्ट बना हुआ है बस स्टैंड यहाँ पे, बगल में खूबसूरत सा बना हुआ चेन्नई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म 11 से ट्रेन जाएगी, तो हम लोग इस साइड से एंट्री करेंगे। सेंट्रल में एंटर करते हैं आपको KFC मिलेगा, बगल में आनंद भवन मिलेगा, मतलब खाने पीने कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे होगी नहीं। सिटिंग स्पेस है और देखो पूरा कवर्ड बना हुआ है अच्छे से, तो एकदम 11 नंबर यानी 11 नंबर सामने ही है। टर्मिनल प्लेटफॉर्म से इसके आगे देखो ट्रैक्स वगैरह नहीं जाते हैं, ऐसे एंडिंग प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे बनाए जाते हैं यहाँ पे, आप देख लो। ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, आगे और भी प्लेटफॉर्म से यात्री जाते हैं, अपनी ट्रेन को सीधा बोर्ड करते हैं। वैसे अपना कोच पर देख लो, अभी 12:53 हो रहा है, साफ सफाई चल रही है। वैसे कोच तो खुल चुका है, हम बोर्ड तो कर सकते हैं ट्रेन को, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं सफ़र के लिए, आनंद भवन मेरा फेवरेट है इसलिए वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें उठा ली। मैं गाड़ी में चढ़ने जा ही रहा था कि मुझे याद आया कि यार मेरे मतलब लिप्स वगैरह थोड़ा फटना शुरू हो गया ठंड के कारण। यहाँ पे गर्मी है लेकिन जिस रूट से मैं आ रहा हूँ उसके कारण ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मेसी भी है, मेरे को याद था यहाँ कहीं पे है, तो इसलिए मैं जल्दी से भाग के आया। अभी ले लेंगे टाइम, देख लो बस 15 मिनट बचे रहेंगे छूटने में। बाकी यार इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी साफ़ सुथरा है तो मानना पड़ेगा, मतलब डेली ट्रेन होने के बावजूद काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया है। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इसका रेक शेयरिंग है मुंबई अमृतसर मेल के साथ, तो इस गाड़ी को चेन्नई में आने के बाद रेस्ट नहीं मिलता है। आती है मुंबई से चेन्नई, यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम है जिसमें ट्रेन की साफ़ सफाई की जाती है और ट्रेन वापस से भेजी जाती है मुंबई के लिए। उसके बाद ये ट्रेन निकलती है अमृतसर के लिए मुंबई जा करके। फिर भी इतनी बढ़िया साफ़ सफाई है, मानना तो पड़ेगा। ये देखो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी जो है चेन्नई सेंट्रल से निकल चुकी है। इंडिया में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो कौन कौन से हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है अपने सफ़र में निकलने के लिए, मैंगलोर के लिए जाती है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। बाकी स्टेशन का नाम आप लोग देखो, कुरुची तलैवर डॉक्टर MG रामचंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम। वहाँ पे देखो लालबाग तैयार है, खैर वो अब लालबाग बन के नहीं मैसूर एक्सप्रेस बन के जाएगी, बट फिर भी मैं उसी से आया था तो लालबाग बन के आएगी। तो वंदे भारत का मेंटेनेंस का काम चल रहा है और बहुत सारे ट्रेन्स का मेंटेनेंस चल रहा है एक्चुअली, पर वो थोड़ी हाईलाइट हो जाती है हर जगह लुक के कारण। हमारा कोच एकदम आखिर में है, एक ही ऐसी 2 टायर का कोच है, बाकी 4 3 टायर के कोच हैं इसमें। आगे WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये यहाँ का लोकोमोटिव शेड देख लो आप लोग, भाई कितने लोकोमोटिव हैं, रिवर्सल होता जाता है, नए नए लोकोमोटिव ट्रेनों को लगाए जाते हैं, पुराने वाले फिर से निकल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ शेड में खड़े हो जाते हैं अपने अगले सफ़र के लिए।
तिरुपति चेन्नई सेंट्रल इंटरसिटी। भाई ये सप्तगिरी ना हो यार, जब सप्तगिरी ग्रीन कलर की थी ना तब मस्त लगती थी, अभी उसकी यूनिकनेस चली गई है। भाई ये 210 रुपए की बिरयानी आनंद भवन की, एक काफ़ी बड़ी ब्रांड है, इसके बहुत सारे स्टोर है बैंगलोर में भी, तो मैंने ले तो लिया। अब भाई टेस्ट देखते हैं कैसा है, पैकिंग तो बहुत ज़ोरदार है, अब टेस्ट अगर वैसा नहीं तो फिर रिव्यू तो आपको ओरिजिनल ही देना है। स्पून वगैरह भी प्रॉपर दिया हुआ है, दो सौ रुपये लायक तो नहीं है यार, उतना मज़ेदार तो नहीं है। मैंने मद्रास कैफे उसके बगल में था, वहाँ से 60 रुपए का भी खाना लिया, ठीक है वो भी रिव्यू करेंगे, देखते हैं कैसा है। 210 रुपए का खाना और ये 60 रुपए का खाना, अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इसका तो टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मुझे 210 लायक तो नहीं लगा, अब ये 60 के हिसाब से कैसा है वो बताऊँगा। एक्चुअली दूसरा जो है वो है सांभर राइस, मुझे पता नहीं कुछ लग रहा था कि शायद ये टेस्टी ना निकले, से मैं पहले ही मैंने बैकअप के तौर पर खाना ले लिया था। साठ रुपये वाला मद्रास कैफ़े का खाना 210 वाले से 200 गुना टेस्टी है लिटरली। भाई इसने जो टेस्ट दिया है एकदम बूम हो गया मन में, एकदम मज़ा आ गया। इसमें है एक्चुअल टेस्ट, क्या टेस्टी है भाई। और ये तो यार टोटली बेकार डिसीजन हो गया मेरा, 200 रुपये बर्बाद हो गए। चलो इसे फिनिश करते हैं, आपसे जल्दी आने वाले स्टेशन अरकोणम जंक्शन में मुलाकात करते हैं। टू ट्वेंटी थ्री से 225 का अराइवल टाइम था और यहाँ पर 245 पे हमारी ट्रेन जाकर के पहुँचे अरकोणम जंक्शन। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से साउथ वाली लाइन जो है, जो कि बैंगलोर कोयम्बटूर इन सब जगह के लिए जाती है, वो अलग हो जाती है। हम लोग तिरुपति यानी रेनीगुंटा वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं यहाँ से, इंडिया की सबसे गर्म जगहों में से एक अरकोणम, इसलिए आप मेरे मुँह का हाल समझ सकते हो। जैकेट वगैरह मैंने उतार दिया था ट्रेन में चढ़ते ही, चेन्नई में ही बहुत गर्मी थी और अरकोणम आते आते और ज़्यादा। यहाँ मेरे भैया का घर भी है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पे देखते ही देखते अपने सफ़र का कारवां निकल चुका है अरकोणम जंक्शन से भी। एक बढ़िया स्पेशल ड्रिंक मिलती है यहाँ पे, मतलब बादाम मिल्क होता है और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स के साथ क्रश करके फ्रूट मिक्स बनाते हैं, उन दोनों को मिक्स करके एक जूस बनता है और वो बहुत तगड़ा लगता है। जब भी मैं आता हूँ ना यहाँ पे भैया के यहाँ पे, उसे ज़रूर ट्राई करता हूँ। और दूसरी तरफ वहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आज की अगर पैरेलल डिपार्चर हुआ तो एक्सेलरेशन साथ में मिल जाएगी वो, क्योंकि मेन लाइन में, क्योंकि चेन्नई से मैंगलोर के बीच में चलती है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। मैंने 12th के बाद जब AIEEE का एग्ज़ाम दिया था तो सेंटर मैंगलोर मिला था, तो जोलार पेट आके इस गाड़ी के स्लीपर से गया था एग्ज़ाम देने AIEEE, क्लियर नहीं हुआ था, झूठ नहीं बोलूँगा, बट गया था यार, मतलब यादें हैं कुछ तो वही शेयर कर रहा हूँ। वो तो देखो वहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है, बढ़िया ट्रेन है काफ़ी, पहले नॉन सुपरफास्ट थी अभी से सुपरफास्ट कर दिया गया। हमारी इच्छा पूरी हुई, वेस्ट कोस्ट को भी डिपार्चर मिल गया, वो भी मूव कर रही है अभी आपको। चलो कम से कम आसानी से मैं दिखा दूंगा काठपाड़ी वाली लाइन, जोलारपेट वाली लाइन कौन सी है, हम लोग कौन सी लाइन में बढ़ेंगे वो अब आसानी से समझ जाओगे। यार यहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस ने तो मौका ही नहीं दिया थोड़ी बहुत रेस करने का,
सुपर फास्ट गाड़ी वो भी है, सुपर फास्ट ये भी है, पर ये निकल गई। मैं रूट दिखाने का तो मौका दे देती है, अकेले अकेले भाग गई है। तो अगरतला हम सफर से हुई बैंगलोर कैंट अगरतला, अब इसे SMVT कर दिया गया है, SMVT अगरतला। और यहाँ हम अलग हुए साउथ वाली लाइन से। तिरुत्तणी रेलवे स्टेशन देख लो, पीछे छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, खैर वो अलग बात है। बट यहाँ पे चेन्नई से यहाँ तक लोकल ट्रेन आती हैं बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी आती हैं तिरुत्तणी लोकल। अरकोणम भी आती है, बट तिरुत्तणी के लिए भी आती हैं। ये देख लो आप लोग तिरुत्तणी रेलवे स्टेशन, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ पर। अच्छी खासी भीड़ चढ़ी यहाँ पर, मतलब मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ पर चढ़ेंगे। गाड़ी के कोचेस बाहर से भी चमचमा रहे हैं, अंदर से तो चमचमा ही रहे हैं। पर ये ध्यान रखना कि ये ट्रेन ज़्यादा देर कहीं भी नहीं रुकती है, दो दो मिनट के ही हॉल्ट दिए रहते हैं, इतने में ही आपको चढ़ना भी है उतरना भी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो बड़े बड़े हॉल्ट है रेनीगुंटा गुंडेगल इन सब जगह में तो रुकेगी, पर बाकी जगह में दो ही दो मिनट रुकती है। पानी वाली सुविधाएँ खैर अभी भी चल रही है साउथ में, बाकी बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है चीज़ बंद हो गई है सुविधा। अरे बहुत ज़रूरी है, गर्मियों के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। तमिलनाडु में खाने को यानी मील्स को बोलते हैं सापड़, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो क्या बोलते हैं सापड़ को। यही वो स्टेशन है जो इंडिया के लॉन्गेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इनफैक्ट ये जो चेन्नई का रेलवे स्टेशन है उससे भी ज़्यादा लंबा नाम है इसका एट अ टाइम, ये रास्ते में पड़ता है। और नज़ारे एक ही साथ बहुत सारे खूबसूरत होते चले जा रहे थे यहाँ पर। सुंदरता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, ये सुंदरता हर जगह आपको नहीं मिलेगी। इंडियन रेलवेज है जो आपको ये सभी चीज़ें
एक्सपीरियंस करवाती है आराम से, आप ट्रेनों में बैठ कर सभी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, अंदर से देख सकते हो इन खूबसूरत नज़ारों में। और ऐसी जगहों पे भी, ऐसी दुर्गम जगहों पे भी इंडियन रेलवे के ट्रैक्स जो है वो बिछे हुए हैं। यहाँ पे डबल लाइन बनाने के लिए देखो धीरे धीरे करके कैसे पत्थरों को काटा जा रहा है। हमें डबलिंग के लिए काम जो है पूरा प्रॉपरली यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें रही होंगी और इंडियन रेलवे ने काट के आपके लिए डबल ट्रैक बनाने की कोशिश कर रही है ताकि रफ्तार में कोई कमी ना आए। ये सब बीच का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें समय लग रहा है। बहुत देर से बाहर खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था यार। अभी मौसम देख लो एक बार, थोड़ा बारिश जैसा हो रखा है। और ट्रेन की चाय यहाँ पे ले ली, मतलब इसमें पेंट्री कार्ड तो नहीं है, साइड पेंट्री है तो वहाँ का ट्राई करते हैं यार चाय। इसमें पेंट्री कार्ड तो नहीं है लेकिन साइड पेंट्री है तो चाय देख लेते हैं कैसी है। ले सकते हो यार, बढ़िया, एकदम पानी तो नहीं है, चाय का फ्लेवर भी आ रहा है, थोड़ी गुड़ वाली चाय जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन बढ़िया है, तगड़ी है, रिकमेंडेड है आपके लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। बाकी जर्नी बढ़िया कट रही है, रेनीगुंटा में आपसे मुलाकात करते हैं। पुत्तूर वगैरह सब निकल चुका है। वो जो सामने रूट वहाँ से आ रहा है वो तिरुपति से आ रहा है और यहाँ पर रेनीगुंटा जो शुरू है वो पहुँच चुके हैं। रेणुगुंटा जंक्शन में गजब की आपको भीड़ मिलेगी क्योंकि तिरुपति यहाँ से बगल में 14 किलोमीटर है बस, और रेणुगुंटा उसी के लिए स्टेशन है। तो बहुत सारे यात्री कह सकते हो और भक्त भी कह सकते हो जो यहाँ पे आते हैं और ट्रेन को यहाँ से बोर्ड करते हैं। दोस्तों 3:50 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, ट्रेन हो चुकी है लेट और यहाँ पे 4 बजे पहुँची है। 5 मिनट का होल्ड टाइम रहने वाला है यहाँ पे रेणुगुंटा जंक्शन में। और जंक्शन क्यों कहते हैं वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही, साथ साथ एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भरपूर मिल जाएंगी। मील्स की बात करें, इडली वड़ा सांभर की बात करें, फलों की बात करें तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं, समोसे वगैरह भी अवेलेबल हैं, ओनियन समोसा भी अवेलेबल है। इनफैक्ट देख लो भर भर के खाने पीने के ऑप्शन यहाँ पर स्टेशन में अवेलेबल है। के बाद का जो रूट है ना वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, कभी मैं रेणुगुंटा से गुडर वाली लाइन पे तो गया हुआ हूँ पर रेणुगुंटा से कड़पा वाली लाइन पे नहीं गया हूँ, तो वहाँ के जो नज़ारे नए होने वाले मेरे लिए। इसके बाद के सेक्शन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बस डिपार्चर का इंतजार, उसके बाद मज़ा आएगा। आपको गुडर वाला जो रूट है ना वो भी दिखा दूंगा आपको मैं अभी। भाई गाड़ी यहाँ से जो पैक हुई है ना, मैं अभी डिपार्चर लेने के लिए निकलने में मेरे को पसीने आ गए यहाँ पे, इतने लगेज, इतने सारे लोग। जय हो तिरुपति बालाजी की, जो लोग देख रहे हो कमेंट जरूर करना जय तिरुपति बालाजी की। मज़ा आया। बाकी खाने पीने के स्टॉल्स लाइन से यहाँ पे लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, फ्रूट्स वगैरह भी मिल ही जाएगा। सामने वो जो रूट जाता हुआ आपको दिख रहा है ना वो निकल रहा है गुडूर की ओर, हावड़ा दुरंतो, हावड़ा भुवनेश्वर, इन सभी रूट में जाने वाली ट्रेनें उस ट्रैक का प्रयोग करती हैं। और गुंटिकल वाली लाइन में जाने वाली गाड़ियाँ जैसे अपनी ट्रेन वो इस रूट से जाती है। सामने कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है, देखते हैं कौन सी है। बाकी ठंडी हवा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लालगुडा WAP-7 के साथ में जो गाड़ी है 30237 के साथ, तेलुगु में लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है, मैंगलोर काचीगुड़ा या काचीगुड़ा मदुरई, चलो तो इनमें से कोई एक गाड़ी है, एक शेयरिंग है।
नंबर ऑफ एसी कोचेस तो जबरदस्त है इसमें भी। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला है ट्रेन का। वैसे जो लोग कोदरू से हैं भाई, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं इस जगह के बारे में, तो आप ही लोग बताओ। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम सुन भी रहा हूँ शाम। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ है, शाम यहाँ पे काफ़ी अच्छी ढल रही है, इसलिए मैं तब तक डोर पे ही हूँ रेनी गुंटस डिपार्चर के बाद। ऑलमोस्ट अभी 4:45 हो रहा है, देखते हैं आगे का रूट कैसा है। 6 बजे तक का इंतज़ार है, कड़पा तक कैसा है रूट वो चेक करना। हम लोग राजमपेटा से निकले हुए हैं, बस स्टेशन नहीं कवर कर पाया, बस शहर आपको दिखा पा रहा हूँ। जो लोग राजमपेटा से हैं भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना और माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है ना बहुत ही खूबसूरत है। मतलब सच को तो वैसे मुझे राजस्थान वाली वाइब्स आ रही हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, वाइब्स अच्छी हैं। आप लैंडस्केप देखो और शाम के समय में ट्रेन अपनी यहाँ पे रुकी हुई है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, क्या मस्त हवा चल रही है, क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस कड़पा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 20 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। किसी ट्रेन से मुंबई चेन्नई कोई ट्रेन थी उससे क्रॉसिंग हुई हमारी, वो मैं देख नहीं पाया। हाँ, लेकिन जैसे बाहर आया देखना सिग्नल रेड हो गया और उसके बाद फिर से रोक दिया गया है। पर मौसम बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, सोचा आपको ये भी दिखा दें। कभी ऐसे एरिया में शाम में बस दोस्तों के साथ बैठो, क्रिकेट खेलो या बातें करो तो अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे। शाम यहाँ पे ढल रही है और
और ऐसे में ज़बरदस्त क्रॉसिंग थी, मज़ा आ गया देख के। मुंबई सूपर फास्ट एक्सप्रेस मूडोवा नंबर प्लेटफॉर्म नगु वचि उन्नदि यात्रिगण कृपया ध्यान दे गाड़ी संख्या 2 2 यहाँ पे हमारा 5:58 का अराइवल टाइम था, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम था कड़प्पा में, पर ट्रेन यहाँ पे 6:24 पहुँची, 24 मिनट का डिले चल रहा है। बाकी बता दो कड़प्पा का ना खारम डोसा जो है वो बहुत ही फेमस है, साथ साथ यहाँ के जो स्टोन्स हैं वो काफ़ी फेमस है, अपने मसालों से लेकर सभी चीज़ों के लिए फेमस है कड़प्पा, जाना जाता है मतलब स्पाइसेस के लिए आप कह सकते हो। यहाँ का खारम डोसा कभी ट्राई करना, मैं तो कह रहा हूँ वो ऑप्शन होना चाहिए था कि पैसेंजर्स ट्रेन में बैठ करके खारम डोसा ऑर्डर कर सके, या तो प्लेटफॉर्म में वो चीज़ मिलनी चाहिए थी, पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पर एक चीज़ बोलता हूँ, जगह काफ़ी सही लगी, मैंने जो है कि शाम देखी थी ना, आप तो देख ही रहोगे मैंने कितनी तारीफ़ की थी उसकी, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जगह काफ़ी बढ़िया है, कभी अगर रुकने का मौका मिलेगा ना तो रुकेंगे ज़रूर। बाकी आप लोगों में से कोई कड़प्पा से हो तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके। रात के अंधेरे में ट्रेन अपनी आके खड़ी हुई है येरागुंडला जंक्शन में, और मैं आप लोग को बता दूं यहाँ से नांडियाल के लिए डायरेक्ट लाइन जो है वो गई हुई है, बहुत ख़ास रूट है इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे गुड्स लोकोमोटिव भी रेस्टिंग के हाल में है और सिग्नल डाउन वाला ग्रीन में दिया है, शायद किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही काम चला लो जो दिख रहा है। बाकी छोटे छोटे स्टेशन कवर कर रहा हूँ मैं ताकि बता सकूँ सुविधाएं हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है तो खाने पीने की सुविधा आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन बेस्ट बात यह कि इसमें गुंटकल आता है समय से और गुटी भी आता है, तो दोनों ही स्टेशन बेस्ट होते हैं खाना खाने के लिए। ये देख लो पूरा मतलब स्टेशन में लाइटिंग वगैरह तो प्रॉपर है, पर खाने पीने का कोई भी स्टॉल नहीं दिख रहा है, आपको खाना पीना सीधा जाके गुंटकल में ही मिलेगा। मैं आप लोग को बता दूं ताड़ीपत्री में ट्रेन पहुंची है, अभी हो रहा है 8:20, पर खाना पीना का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, गुट्टी और गुंटकल ये दो बेस्ट जगह रहती है खाना पीने के लिए, तो आप उस जगह का इंतजार करिएगा, गुंटकल में तो टॉप नॉच मिलेगा, मैं भी वहीं का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी कुछ खा नहीं रहा हूँ, ट्रेन का भी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो लोकल वेंडर्स जो चढ़ाते हैं ना उसमें अच्छा खाना आपको नहीं मिल पाएगा, बेटर है गुंटकल में बिरयानी वगैरह ले लो 70-80 रुपये में बढ़िया खाना आपको मिल जाता है। चलिए डिपार्चर अपना हो चुका है, यहाँ से 2 मिनट ट्रेन रुकी है ताड़ीपत्री में, ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रखी, जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। पेन्ना रिवर के एकदम किनारे बसा हुआ है ताड़ीपत्री, मैं बस मैप में चेक कर ही रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे पेन्ना रिवर बगल में ही बह रही है इसकी। पिकअप देखो आप ट्रेन का, यहाँ से निकलते निकलते पूरा एक्सेलरेशन, ये देख लो बैंगलोर वाली लाइन यहाँ पे आके मर्ज हो रही है, अभी हम लोग गुटी जंक्शन पहुँच रहे हैं, ट्रेन आधे घंटे डीले के साथ चल रही है, ट्रेन जो है हमारे आधे घंटे डीले के साथ चल रही है, इसलिए गुटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से डायरेक्टली हैदराबाद वाली लाइन भोन होते हुए निकल जाती है और हम लोग सीधा गुंटकल बढ़ेंगे। आप समझ सकते हो कि 4 रूट यहाँ से गए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है गुटी जंक्शन, और हॉल्ट केवल 1 मिनट का है। नौ बज गया देख लो गुटी आते आते स्टेशन में, इडली वड़ा सांभर पराठा चपाती खुरमा सब कुछ मिल जाएगा आपको, और जंक्शन की वजह तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, बाकी मसाला डोसा नहीं अवेलेबल है, प्लेन डोसा अवेलेबल है, लेमन राइस बिरयानी सब कुछ अवेलेबल है, और पीने का पानी वो 8 रुपये वाला वो भी अवेलेबल है, तो आप अगर गुटी से लेना चाहो खाना पीना तो देख लो वैरायटी वैरायटी और बहुत सारे वेंडर्स हैं,
और सेम चीज़ आपके साथ होगी गुंटकल में। ट्रेन हमारी 9:30 तक गुंटकल मुझे लगता है पहुंच जाएगी। वो जो ब्लू वाला कोच है ना वो RMS का, मतलब रेलवे मेल सर्विस का, इसलिए जैसे ही ट्रेन रुकती है ना मेल वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो उतारी भी जाती हैं और चढ़ाई भी जाती हैं ट्रेन में। ट्रेन को स्टॉपेजेस तो दिए हैं पर कहीं भी 2 मिनट से ज़्यादा रुकती नहीं है। मूवमेंट इसका बढ़िया है, मतलब नॉन स्टॉप इसे भगाते रहते हैं। और देख लो खाने पीने के स्टॉल हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको यहाँ मिल जाएंगे गुटी रेलवे स्टेशन में। अच्छा एक और देख रहे हैं आप, मतलब सारे फ्रेश स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप ताज़ी चटनी वगैरह के साथ, ताज़े सांभर के साथ खाना पीना यहाँ पे खा सकते हो। ₹8.50 का टाइम था गुंटकल जंक्शन का और यहाँ पे 9:55 से ज़्यादा का समय हो चुका है। 5 मिनट का हॉल्ट टाइम था पर ट्रेन आउटर पे ही डिले हुई है, जो भी डिले हुआ है बहुत देर से बाहर खड़े रखा गया था इसमें। तिरुपति एक्सप्रेस खाना पीना तो सब कुछ आपको बढ़िया सन से यहाँ मिल जाएगा। बाकी गुंटकल जंक्शन को आप एक बार देख लो, एकदम साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है। और मैंने भी यहाँ से खाने पीने के लिए थोड़ा सा लेमन राइस और थोड़ा सा जो बिरयानी है वो ले लिया। रिक्वेस्ट किया भैया से काउंटर पर कि भैया थोड़ा थोड़ा दे दो, ₹40 में वो मिला है। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमेशा वीडियो में कहता हूँ फिर से कहूँगा, जब साउथ पे इतना प्यार से साफ सुथरे ढंग से इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना इतने सस्ते रेट में खिला सकते हैं तो अपने यहाँ नॉर्थ में क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है। ये चीज़ मुझे बुरी लगती है जब मैं सोचता हूँ। बाकी खाना पीना यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है गुंटकल में, जब भी आप आओगे आपको मिल जाएगा। डोसा वड़ा सभी ऑप्शन थे आपके पास। गुंटकल को जंक्शन क्यों कहते हैं उसके लिए मैं बता दूँ, बैंगलोर के लिए 2 रूट, एक तो वाया गुटी जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं और एक और रूट है कलूरू के रास्ते पड़ता है। बाकी हैदराबाद के लिए यहाँ से लाइन जाती है डायरेक्ट करनूल होते हुए, बाकी विकाराबाद होते हुए मेन लाइन है जिसमें राजधानी दुरंतो वगैरह जाते हैं। और स्ट्रेट हम लोग बढ़ने वाले हैं वाडी से मुंबई वाली लाइन की ओर और गुंटकल से बल्लारी हुबली वाली लाइन भी गई हुई है, इसलिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है और डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। अब इसके बाद मैं तो खा पी के सोऊंगा क्योंकि ट्रेन हो गई 1 घंटा लेट यहाँ पे और नींद भी बहुत तगड़ी आ रही है, सुबह से नॉन स्टॉप खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी यहाँ तक आपको वीडियो मज़ा आया कि नहीं बताना ज़रूर। बाकी तो अपने हम लोग रिपीट सेक्शन में आज के हैं, यहाँ से तो अपना रूट रिपीट ही होने वाला है तो रात के स्टेशन कवर नहीं करेंगे। सुबह आप लोगों से मुलाकात करूंगा लेकिन उससे पहले डिनर का रिव्यू ज़रूर करेंगे ट्रेन के अंदर चल के। यहाँ पे 3 AC का इंटीरियर देख लो, एकदम साफ सुथरा एकदम उत्कृष्ट इंटीरियर है इसका। बस एक चीज़ बता दो, गुंटकल से गाड़ी अपनी खुल चुकी है 10:12 पर, रुकी है थोड़ा समय के लिए, ये चीज़ अच्छी थी। यहाँ पे मेरी एक और फेवरेट ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन नंबर 17604 यलंका काचीगुड़ा एक्सप्रेस। अब चला जाए अंदर, अपना खाना इंतजार कर रहा है, उसको टेस्ट किया जाए। तो भाई ये है लेमन राइस और ये है बिरयानी जो मिली अपने को, ₹40 में इतना कुछ मिला हुआ है। अब टेस्ट देखते हैं कैसा है। बिरयानी का टेस्ट तो ज़बरदस्त है, लेमन राइस भी देख लेते हैं। टेस्ट तो बहुत ज़ोरदार है सभी चीज़ों का। आप इन्हें फिनिश करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भाई बहुत रिकॉर्डिंग हो गया, आपसे सुबह सुबह मुलाकात करूँगा जहाँ नींद खुलेगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट, डिनर फिनिश करके मैं जाता हूँ सोने, बाय।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। जब मेरी नींद खुली, गाड़ी हमारी दौंड से निकल रही थी और हम लोग सिकंदराबाद दुरंतो के आगे आगे निकल रहे थे। सो ओवरटेक तो मैं नहीं कहूँगा, प्रायोरिटी तो खैर उसी को मिलनी है, बट भाई उसके आगे निकल रहे थे, ये खुशी की बात है। और शायद अगर पुणे उससे पहले ही पहुँच जाएँ। हम लोग अभी केटगांव रेलवे स्टेशन को पार कर रहे हैं, अभी रशा वगैरह में हुआ, उसके बाद अभी जाके मैं आप लोग के लिए तैयार हूँ व्लॉग बनाने के लिए। बहुत ठंड है यहाँ पर, मैं मतलब हाफ टी शर्ट में खड़ा तो हूँ पर मैं ही जानता हूँ मैं यहाँ पर कैसे खड़ा हूँ। तगड़ी वाली ठंड है यहाँ पर और सनराइज जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। चलिए सफ़र को एंजॉय करिए, बस ख़त्म ही होने वाला है कुछ समय। प्रोसीड यानी दुरंतो ओवरटेक करने वाली है हमको, जिसको हमने अभी दौंड में आगे निकले थे ना, जिससे हम लोग सिकंदराबाद LTT वही ओवरटेक करेगी। बाकी दुरंतो का ओवरटेक तो ज़बरदस्त था। आप देखो ट्रेन हमारी यहाँ से कब निकले, बस यवत आ गया तो बस पुणे पहुँचने ही वाले हैं। मुझे लगता है ऑन टाइम ही पहुँच जाएगी, वैसे 8 बजे का सुबह टाइम है, 8:10 का ऑन टाइम ही पहुँच जाएगी गाड़ी जहाँ तक। देखते हैं क्या होता है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि मेरे को तो 10:30-11 बजे से ही होटल में चेक इन मिलेगा। सुबह 8 बजे से तो मिलेगा नहीं, पर फिर भी किस्मत है। 8:10 का टाइम था और यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं पुणे आते आते, पर कोई बात नहीं, 20 मिनट का डिले तो चलता है इंडियन रेलवेज में। पुणे कानपुर यहाँ पे खड़ी हुई है, उसके रेक्स का मूवमेंट चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग पुणे उतरने वाले हैं तो दरवाजे पूरे पैक हो रखे थे, इसलिए मैं दूसरे साइड आया हूँ, पर आपको ये वाले प्लेटफॉर्म भी नहीं दिखा पाता। और सामने पुणे कानपुर के रेक्स जो है उनका मूवमेंट चल रहा है। गाड़ी यहाँ पे 20 मिनट के डिले के साथ पहुँची है, पर यह सफ़र काफ़ी कमाल का था। जो लोग पुणे से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ज़रूर। और चेन्नई मुंबई के बीच अगर आप लोग को ट्रैवल करना है तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। एकदम साफ़ सुथरी ट्रेन है और पंक्चुअलिटी तो आप देख ही रहे हो, खाना पीना भी आपको बढ़िया मिल ही जाएगा। और पता है किस्मत क्या होती है, प्लेटफॉर्म इस साइड आ गया घूम के, ये थी भाई किस्मत। मुझे लगा प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, प्लेटफॉर्म हमारी तरफ ही आ गया। पहली गाड़ी है पर इसके लिए भीड़ देखो आप लोग पूरा यहाँ पे भाई साहब। सैटरडे संडे का रश है पूरा। बाकी मेरे को तो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे जर्नी एक्सपीरियंस लेकर के आता रहूँगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सत्य भाई साउथ देखना है, साउथ की चीज़ दिखाओ, तो शुरू कर दिया। बैंगलोर चेन्नई भी मैंने लालबाग एक्सप्रेस से कवर किया था, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दो, वो भी अपलोड कर दूंगा। उसको मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी हाल ही में चेन्नई बैंगलोर शताब्दी की जर्नी मैंने डाली थी। अगर आप लोग कहोगे तो लालबाग भी मैं निकाल दूंगा। बाकी कोई और रूट साउथ में रिकमेंड करना चाहते हो तो कर दो। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।